हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर। हम क्या कर रहे थे, चैप्टर 12। ओके, 12.1 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2। जिन्होंने 12.1 की वीडियो नहीं देखी तो आपने पहले वो देख लेनी है, ओके, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो फैक्टराइजेशन जाने के गुणनखंड बनाने थे हमें, यही था हमारा टॉपिक। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, 12.2 एक्सरसाइज करेंगे। ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना बिल्कुल, ओके। तो इसमें जब हमें इसको स्टार्ट करना है तो पहले इसके पहले हमारे पास 3 फॉर्मूलाज होते हैं जो सभी को आने चाहिए, ओके। उसी पे बेसिस है ये सारी एक्सरसाइज आपकी। तो क्या है वो 3 फॉर्मूलाज हमारे पास, a प्लस बी। सबसे पहले है a प्लस बी की होल स्क्वायर, ओके, यानी कि a प्लस बी की पावर 2। तो इसको हम ओपन करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, ओके। नेक्स्ट है सेकेंड फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, ओके। पहले भी किए होंगे आपने ये फॉर्मूला। तो एक और है अपने हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। पहले क्या था, आप देखिए, आप बोलोगे a माइनस बी है, इसमें बी माइनस बी है, लेकिन इसमें पावर दोनों की 2 थी, इसमें अलग अलग पावर दे रखी है, ओके, ये ध्यान रखना है। अगर अलग अलग पावर आती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, तो आपने कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी, एक बार प्लस कर देना है ये नंबर का, एक बार माइनस कर देना है, ओके। इन चीजों का प्रूफ भी कर सकते हैं हम, ओके, लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आपने जस्ट इनको अच्छे से याद कर लेना है फॉर्मूलाज को, ओके। जैसे ये है, इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, a प्लस 2 टू टाइम्स है, यही है ना, क्योंकि पावर 2 है इनकी, a प्लस बी ऐसे ही है। फिर जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये चीज बन जाएगी हमारे पास, ओके। ये है इसका हमारे पास कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही ये है, इसको ऐसे a माइनस बी 2 टाइम्स है, वो लिखेंगे, फिर इसको प्रूव करेंगे, ओके। तो ये चीज आएगी आपके पास, ऐसे ही इसको हम ओपन करेंगे तो ये चीज बनेगी हमारे पास, ओके। तो जस्ट आपने क्या करना है, इनको अच्छे से आपने याद कर लेना है, तो ये हम अप्लाई करेंगे अब हमारे क्वेश्चन में, ओके ओके। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, जाने के गुणनखंड ज्ञात करने हैं, जो भी हमारे पास व्यंजन है, वैल्यूज है, ठीक है, यही है, ओके। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, लास्ट में भी हमने गुणनखंड यानी कि फैक्टर बनाए थे, इसमें भी हमें वही करना है, लेकिन उसमें जो आप मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो आपके अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम क्या अप्लाई करेंगे, अभी हमने 3 फॉर्मूलाज किए थे उसको ही हम अप्लाई करेंगे, ओके। तो ये है हमारा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। 10 को मैंने 2 तोड़ के लिख दिया है, ब्रेक करके लिख दिया है 2 इंटू 5, और ये x पड़ा है उसको भी मैं साथ में ले लूंगी, उसको छोड़ना नहीं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है कंप्लीट, ओके। आगे प्लस का है, प्लस का 25 वो लिख दिया हमने, लिख दिया इतना जी, समझ आया इतनी चीज। जस्ट मैंने इसको ब्रेक किया है, जो साइड्स पे थे उनको मैंने सेम एज इट इज ही ले लिया है जैसे वो थे, ओके। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है हमारा, कौन सा, अभी हमने किया था a प्लस बी की स्क्वायर, क्या थी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही था, ओके। एक चीज और होगी यहाँ पे, अब देखिए, ये था मेरा 25, ये मेरा क्या था 25, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 की पावर 2, 5 को लिख सकते हैं हम, ओके, लिख लिया, क्योंकि ये हमें ऐसे चाहिए होता है, ओके। तो अब क्या करेंगे, अब क्या बना हमारा, बोलिए, ए स्क्वायर ये है हमारा, बी स्क्वायर ये है हमारा, ओके। उसके बाद ए एंड बी ये हो गया ना, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो 2ab ये बनाना था हमें, और वो भी बन रहा है, 2a क्या है एक्स, बी क्या है ये तीनों चीजें आ गई, मल्टीप्लाई में है, नंबर इधर उधर हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, 5 हमारा बी स्क्वायर बन गई, ए स्क्वायर, जाने की यहाँ पे ये चीज अप्लाई हो रही है, तो ये चीज अगर बन गई है तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हम लिख देंगे, a हमारा यहाँ पे क्या है x है, b हमारा यहाँ पे क्या है 5 है, तो x प्लस 5
की पावर टू, टू पावर, ओके, जाने कि ये ए है ये बी है, उसको मैंने लिख दिया उसकी पावर टू, क्योंकि ये तो हमारा यही चीज बन गई है, ओके, अंडरस्टैंड। तो अब क्या है, टू टाइम्स है, इसको ओपन करके लिख दो, एक्स प्लस फाइव ऐसे लिख सकती हूँ मैं, तो लिख दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ओके। तो ये है हमारे पास वैल्यू, पहले हमें इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लेके आना है, देन सॉल्व करना है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, बोलिए जल्दी से क्या लिख सकते हैं, इसको टू इंटू फोर लिख सकते हैं, 80 बनेगा ना अगर मल्टीप्लाई करेंगे, एक y पड़ा है उसको भी लिख लो साथ में, प्लस का साइन है प्लस का, ये 16 क्या होता है, 4 इंटू फोर, फोर की स्क्वायर 16 होता है ना, 4 इंटू फोर, ओके। तो 4 की पावर 2 लिख सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि वो 16 ही बन रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ओके। उसके बाद हमारे पास फिर से फॉर्मूला बन गया, कौन सा बना है, अब माइनस का बना है, ए माइनस बी की पावर 2 ये बना है, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही बनेगा, ए हमारा ये है, माइनस साइन आ गया, टू ए बी, टू ए बी आगे हमारा बी स्क्वायर, ये बन गया, ओके। उसके बाद अब हम इसको ये चीज लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ए हमारा ये है, बी हमारा यहाँ पे 4 है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, वाई माइनस 4, क्या आ गया, वाई माइनस 4 पावर 2, जाने के इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 4, y माइनस 4, ये आपका आंसर आ गया। समझ आ गया अच्छे से, इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 25, पहले जो नंबर्स थे यहाँ पे कुछ नहीं था, ओनली x y या कुछ भी होता था, ओके, लेकिन अब यहाँ पे नंबर आ गया है एक हमारे पास, तो इसको कैसे करेंगे, सेम इसका, ये तो पी का स्क्वायर है ही, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पूरे का पावर 2 बनाना होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, 5 हम लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर भी हमारा 25 भी होता है, 5 गुना 5 क्या हो जाएगा, 25, ओके, 25। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5, साथ में p पड़ा है, p लिख लो, दोनों की पावर 2 कर दो, अलग अलग मत लिखना इसको, इसकी पावर 2 इसकी पावर, ओके, इसको एक साथ लिख दिया हमने। आगे क्या है, इसको ओपन करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, क्योंकि 3 गुना 3 9 ही होता है, ऐसे लिख सकते हैं, तो पावर 2 होगी, 2 टाइम आ रहा है 1 एंड 2, तो पावर 2 लिख दी, ओके। उसके बाद इसको ब्रेक करना है हमें, क्या लिख सकते हैं 30 को, हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई, हाँ जी क्या आ जाएगा बोलो, 5, इसको हम लिख सकते हैं, आप कैसे लिख सकते हो बताइए, 10 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिखोगी, ठीक है, 30 बन गया। तो इस 5 को, इस 10 को तोड़ दो, 10 को क्या लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 ये बन गया, क्योंकि इसको भी ब्रेक करना है हमें, ओके। तो 2 मल्टीप्लाई 5 और ये रहा हमारा मल्टीप्लाई 3, तो अब इसको मल्टीप्लाई गुना करोगे तो आपका 30 ही बनेगा, साथ में पी है तो पी लगा दो, यही होगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, प्लस वाला जो हमने पहले ही किया था, साथ में ये फॉर्मूला आपने जरूर मेंशन करना है, देना ही देना है, ओके, तभी टीचर को पता चलेगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, ओके। तो यहाँ पे 2ab प्लस बी स्क्वायर यही होता है हमारा, तो ये चीज बन गई ना, अभी यही बनी है। तो ए अब क्या है, ये है, बी क्या है, 3। अब ध्यान के क्या रखना है कि जो ए है ये पूरा है आपका, 5 भी है साथ में पी भी है, ऐसे लिखना है, ओनली 5 लिख के मत आ जाना आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5p, इसमें मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, ए की वैल्यू है 5p, वो लिख दी, प्लस का साइन प्लस का लगा दो, बी ये क्या है हमारा, 3 है, 3 है तो पावर 2, तो 2 कर दो, बाद में इसको ओपन करके लिख सकते हो, 5p प्लस 3, ओके। उसके बाद कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो ना साथ साथ, ओके, तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज ऐसे देखोगे तो कुछ नहीं समझ आने वाला। तो आगे इसको करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो और खुद आंसर देना है मेरे को क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको देखिए ध्यान से, इसको कैसे करेंगे हम, ये इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई 10 100 होता है, ओके। तो 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, 10 लिख लिया, उसके साथ x से x लिख लिया, इसकी पावर 2 बना दी, इसकी पावर पहले से 2 थी,
तो दोनों को एक साथ लिख दिया हमने। उसके बाद माइनस का साइन है, इसको ब्रेक करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं जल्दी से। इसको 4y की स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है, 4 गुना 4 16 होता है, उसके साथ y है, उसकी स्क्वायर पहले से ही है। जैसे इसकी स्क्वायर बनाई वैसे हमने इसकी स्क्वायर बना दी, समझ आई। उसके बाद इसको ब्रेक करना है, तो कैसे करेंगे हम इसको ब्रेक, जल्दी से बताइए क्या लिखेंगे हम इसको। लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4, लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद x पड़ा है x लगा दो, साथ में y पड़ा है y लगा दो, ओके। तो इसको मैंने ब्रेक किया, ये आ गया मेरा। उसके बाद x पड़ा था मैंने x लिख दिया, y पड़ा था y लिख दिया। इसको अब देखिए 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 40 बन जाएगा, 40 को 2 के साथ करेंगे 80 बन जाएगा। ये चीज कैसे बनानी है, जिस बच्चों को ये चीज बनानी नहीं आती तो एक बार समझ लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे, ओके। ये और ये बना लेने हैं सबसे पहले, ये और ये बना लेने हैं सबसे पहले। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि ये 10 था 10 लिख दिया मैंने, ये 4 था 4 लिख दिया, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। 2 मल्टीप्लाई कर देना है और आपका वही बन जाएगा जो ऊपर पड़ा है, ओके, समझ आई। ये है ये ले लो, 4 है 4 ले लो, उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई, सभी जगह 2 को ही मल्टीप्लाई करना है तभी हमारा फॉर्मूला बनता है। उसके बाद ये कौन सा फॉर्मूला बना, मैं अभी माइनस का फॉर्मूला बन गया, ये बना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही बना है हमारा, ओके। तो इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसमें पुट कर दो वैल्यू। अब ए ये है, बी ये है हमारा, ए क्या है 10x, माइनस का साइन है माइनस का, बी क्या है हमारा 4y, पावर कितनी है 2 है। अब देखिए ये 10 है ये 4 है हमारा, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, यस 2 कॉमन निकल रहा है यहाँ से, क्या निकल रहा है, दोनों में 2 पड़ा है, 2 पड़ा है, लेकिन उसकी स्क्वायर भी है साथ में, तो इसकी स्क्वायर भी लेनी पड़ेगी आपको, ओके। 2 है, 2 की स्क्वायर भी है साथ में, वो ले लीजिए। अंदर क्या बच जाएगा अभी 5x, अगर हम इसमें से 2 को बाहर निकाल लेंगे तो 2 फाइव से 10 होता है, तो 5 अंदर बचेगा, x है साथ में x लगा दो, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ से 2 निकाला तो यहाँ पे अंदर भी 2 बच गया, ओनली 2y, उसकी पावर 2 थी, ये 2 2 4 आ गया आपका, ये बच गया बाकी, ठीक है। इसको ओपन करके भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जल्दी से क्या है इसमें। अब देखो ये इसकी पावर 2 दे दी उन्होंने, ये ऐसे वैल्यू दे दी, तो पहले हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को बनाते थे, लेकिन अब उन्होंने लिख दिया है कि क्या है, पी प्लस क्यू आपका स्क्वायर लिख दिया। तो ये चीज क्या बनी हमारी, अभी बताइए जल्दी से क्या बना, ए प्लस बी की स्क्वायर बन गई, यही बना, ये हमारा ये है, ये भी है, उसकी पावर 2 बन गई। तो इसको ओपन कैसे करेंगे, अभी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करेंगे, ओके। तो इस चीज को ओपन करेंगे, अभी ये हमारा ए है ये बी है, तो ऐसे मान के चलेंगे, तो इसको ओपन करो, ए क्या है पी, पी का स्क्वायर प्लस प्लस 2ab, 2ab जाने के 2, ए क्या है पी है, बी क्या है क्यू है, वो लिख लिया हमने, ओके। उसके बाद प्लस क्यू की स्क्वायर जाने के बी की स्क्वायर, यही हुआ। उसके बाद जो है आपके पास अभी स्क्वायर को हमने ओपन करके ये लिख लिया, इसी वैल्यू को ओपन करके लिखा है इस फॉर्म में हमने, समझ आई। उसके बाद माइनस का साइन है माइनस का लगा लो, अब क्या है आगे 4pq, ये है मैंने ये लिख लिया, इसको पहले ओपन करके लिखा, फिर ये माइनस का साइन था लगा लिया और ये वैल्यू लिख ली। उसके बाद pq प्लस q स्क्वायर, पी स्क्वायर है क्यू स्क्वायर है, वो लिख लिया। ये और ये सेम बन रहा है 2pq 4pq, ओके। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 निकाल दो। माइनस तभी करना है अगर पीछे की वैल्यूज देखो सेम हो, अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती तो हम इसको माइनस या प्लस नहीं कर सकते थे, यहाँ पे पी क्यू है यहाँ पे पी क्यू है, ओके। तो इसको क्या करेंगे, 4 में से 2 निकाल देंगे, तो 2 आया, साइन माइनस का रहेगा क्योंकि 4 बड़ा है यहाँ पे, तो माइनस 2pq आ गया आपका। अब कौन सा फॉर्मूला बन गया बताइए जल्दी से, फिर से फॉर्मूला बन गया है हमारा एक ए माइनस, अब माइनस का बनाया, ओके माइनस का बनाया ना, अब तो क्या होता है इसका ए स्क्वायर माइनस
2ab plus b square 3 ही होता है। तो आगे पीछे वैल्यूज को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। इस माइनस 2ab को मैं पीछे भी लिख सकती हूँ, b square को आगे भी लिख सकती हूँ, ओके। लेकिन साइन सेम रखने हैं जो इनके आगे पढ़े हैं। अभी ये चीज बन रही है कि नहीं, यहाँ पे देखिए a square minus 2ab और b का square बन रहा है, सारा बन रहा है। तो ये हमारा, अब इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख देते हैं, a क्या है हमारा p square है, b हमारा क्या है अभी q square है, ओके। तो यहाँ पे p minus q पावर 2, ये आपका आंसर आ गया। समझ आ गई इतनी चीज। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन। इसमें क्या है, अब देखो पहले हमारे पास जो पावर थी वो 2 होती थी और जो फॉर्मूले हमने किए हैं वो भी पावर 2 के किए हैं, लेकिन यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एल की पावर 2 उसकी पावर फिर से 2, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में होते हैं नंबर्स तो पावर से ऐड हो जाती है, पता है आपको, ओके। तो 2 + 2 फिर से 4 बन सकता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, प्लस 2l² m स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, m को, इसके भी पावर 4 है तो इसको भी ऐसे लिखेंगे हम, ओके, 2 पावर 2 ऐसे कर देना है। अब क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया है हमारे पास, कौन सा, a प्लस बी की पावर 2 का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब इस ये चीज ये बन रही है कि नहीं, ऊपर देखिए a स्क्वायर a स्क्वायर 2ab 2ab b स्क्वायर b स्क्वायर। अब ध्यान क्या रखना है कि जो आपका a है, जो आपका a है ओनली l नहीं है, ओनली l नहीं है और ओनली m नहीं है, तो क्या है b, क्या है आपका m, ओके। तो इसके साथ क्योंकि ये कंप्लीट पूरा है, l की पावर 2 भी है क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई किया ओनली, ओके। तो l की पावर 2, m के ऊपर भी 2 पावर है तो उसकी पावर 2 लिख दो, ओके। तो अभी आपके पास l, a क्या है l स्क्वायर, b क्या है m स्क्वायर, तो जो अब इसमें पुट करेंगे हम वो क्या करेंगे, l स्क्वायर प्लस का साइन है प्लस का, b क्या है m, m की स्क्वायर, ओके, फिर उसकी पावर 2, ये आंसर आएगा आपका। समझ आई अच्छे से। 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसके साथ आपको हिंट भी दिया गया है, संकेत दिया गया है ना, साथ में पढ़ना है उसको अच्छे से, अगर आपको एग्जाम में भी आता है तो उसको अप्लाई करना होता है, ओके। हिंट दिया जाता है, जो हिंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि जो 4 है वो कॉमन है सभी में, सारे है, ठीक है, कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लेना है पहले। तो इसमें 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 4 कॉमन है सभी में, ओके। तो ये भी 4 के टेबल में आता है, ये भी आता है, तो 4 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से 4 को बाहर निकाल लिया तो ओनली क्या बचा, x की पावर 2, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ से 4 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा 2, क्योंकि इसको हम 4 × 2 लिखेंगे ना, तो 4 इसको बाहर निकाल लिया, ओनली क्या बचा 2, ओके। जिसको जैसी नहीं समझ आती तो पहले ब्रेक कर लिया करो उसको, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया करो, फिर उसको बाहर निकाल सकते हैं आप, ओके। उसके बाद प्लस का साइन है प्लस का, यहाँ से भी 4 मैंने बाहर निकाल लिया, तो आधे बच्चे सोचेंगे 0 बच गया, 0 नहीं बचता तो 1 बचेगा, क्योंकि 4 को बाहर निकाल लिया, 4 × 1 = 4 ही होता है ना हमारे पास, ओके। तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा 1, आगे क्या हो जाएगा, अभी 4 ये बाहर है तो इसको फिर से हम जो क्या बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं, गुणनखंड बनाते हैं, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। जी अब कौन सा फॉर्मूला बन गया है अभी यहाँ पे बताइए जी, a माइनस बी का, ओके, a माइनस बी का बन रहा है, देखिए a की पावर 2 आगे माइनस 2ab यही होता है, प्लस b की पावर 2 यही होता है ना, तो ये कैसे बना। अब आधे बोलेंगे कि यहाँ के b की पावर 2 नहीं है, ओके, यहाँ पे a भी नहीं है, तो ये क्या है, यहाँ पे ये ध्यान रखिए 4 एज इट इज ऐसे ले लेना है, उसके बाद x की पावर 2 है तो 1 की पावर 2 ले सकते हैं ना हम खुद से, क्योंकि 1 की पावर जितनी मर्जी कर दो तो 1 ही रहेगी, वो हमें खुद ड्राइव करने होते हैं, खुद बनाने होते हैं ये फॉर्मूलाज, ओके। माइनस का साइन है माइनस का लगा लो, 2 एक्स तो है ही, तो ये क्या है हमारा, एक्स क्या है, ए है, ये क्या है 1, ओके, तो इसको 1 लिख सकते हैं खुद से, बन गया ना अभी यही चीज हमारी, लिखना है लिखो, नहीं लिखना तो ऐसे ही छोड़ दो उसको बस, ओके। तो यहाँ यही से आपका फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब क्या है, एक्स क्या है, ये है, सॉरी ए क्या है, ये है, बी ये है हमारी, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, एक्स माइनस का साइन है माइनस का, 1, ओके, क्योंकि माइनस लग रहा है तो माइनस का हम लगेगा, तो
तो पावर टू ये आपके फैक्टर्स बन जाएंगे, आंसर आ गया है आपका। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेम ही है, फैक्टराइज करना है फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को, जाने के गुणनखंड ज्ञात करना है, सभी का यही है, ओनली फॉर्मूलाज डिफरेंस है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या बन रहा है अभी देख लें, पहले हमारे पास थ्री वैल्यूज आ रही थी, अब टू वैल्यूज आ गई है। ओके, तो उसके साथ आपका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, यही होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सेम 25 तो हम कितनी बार कर चुके हैं कि इसको 5 × 5 यानी कि 5 × 5 लिख सकते हैं। ओके, साथ में a पड़ा है तो पावर 2 हो जाएगी दोनों की, वही बनेगा। अगर इसको ओपन करोगे तो यही चीज बन जाएगी, माइनस का साइन है माइनस का लगा लो। इसको क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर है ये, 8 का। ओके, 8 को मल्टीप्लाई 8 के साथ करोगे तो कितना होता है, जिसको टेबल्स आते हैं उसके लिए बहुत ही ईजी है चैप्टर। ओके, तो 8 साथ में बी है उसकी पावर 2, उसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख लिया। उसके बाद अब देखिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, जल्दी से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बन रहा है, बन रहा है कि नहीं, क्या होता है इसका, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है, बन गई ये चीज। अब इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, पहले ये ए है, ये हमारा बी है, पूरा ए है, ये पूरा बी है। ओके, तो ए क्या है अभी हमारे पास 5a, b क्या है साइन प्लस का लगाना पहले, फिर 8 भी लिख दो, फिर से सेकंड टाइम माइनस लगा दो इन दोनों में, बस आंसर आ गया 5a माइनस, ये देखने अभी साइन हमें ये नहीं देखना। ओके, ये पहले देखना था जब हमने फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद 8b, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए जल्दी से, इसमें क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 कितना होता है, 49 ही होता है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना, 7 साथ में क्या है x, दोनों की पावर 2 कर देनी क्योंकि इसकी पहले ही थी, इसकी हमने बना दिया है, माइनस का, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ जल्दी से बताइए, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 × 6 36 ही होता है, तो 6 की पावर 2 लिख सकती हूँ कि नहीं, तो मैंने लिख दिया। ओके, उसके बाद सिंपल फिर से वही फॉर्मूला बन गया, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या आ जाएगा अभी, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला अप्लाई कर दो जल्दी से इस वैल्यूज को, पहले ये फिर ये बना दो, अभी ये ए है पूरा, ये बी है, ऐसे है, ए क्या है 7x, प्लस का साइन है प्लस का लगा दो, बी क्या है हमारा 6 है, ये बन गया ए माइनस बी, ए क्या है अभी 7x ही है, साइन चेंज करना है बस, एक बार प्लस का कर दो एक बार माइनस का कर दो, आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट देखिए जल्दी से थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है, अब पहले हमारे कंप्लीट ऐसे पावर्स बन रही थी कि दो बार उसी नंबर को गुना करें तो परफेक्ट के बन रहे थे जाने के, ठीक है, अब नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं 28 का कोई है कि सेम दो नंबर को मल्टीप्लाई गुना कर दें और ये बन जाए, नहीं बनेगा, इसका भी नहीं है, तो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है वो निकालेंगे सबसे पहले, क्या दोनों में, दोनों किसके टेबल पे जा रहे हैं वो देखिए, किसके टेबल पे जा रहे हैं दोनों, 7 के टेबल पे जा रहे हैं ना दोनों, जा रहे हैं, तो 7 बाहर निकाल लीजिए, आगे क्या आ जाएगा बोलिए जल्दी से, 4 रह जाएगा अंदर। ओके, 7 × 4 = 28 होता है, आगे x की पावर 2 है वो लिख लिया मैंने, यहां से माइनस है माइनस, अब ये कहां जाता है बोलिए जल्दी से, 7 − 9 क्या होता है 63 9। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पे जाएगा, तो y की पावर 2 है तो इसको ऐसे लिख लेना है, ओनली 7 बाहर निकाला। अब मैं इसको और इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 × 2 लिख सकते हैं ना, अभी बने हैं ये परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 साथ में x है उसकी पावर 2 लिख दी मैंने, क्योंकि इसको मैं लिख सकती हूँ ना 2 × 2, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 × 3 3 × 3 = 9 होता है, माइनस का साइन है माइनस का, इसको मैंने लिख दिया 3 साथ में y है पावर 2 हो जाएगी, ये बन गया, फिर से फॉर्मूला बन गया यही फॉर्मूला, सभी में ये लिखना है आपने। ओके, फिर आगे करना है सम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे ए प्लस बी, कितना टाइम लगता है इसको लिखने में, लगा कोई टाइम, और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, ध्यान से सुन लो बात। ओके, अच्छे से वीडियो को वॉच करना है, जो क्वेश्चन हम नहीं करते उसको पॉज करके आंसर देना है हमें, ये हो गया हमारा, और ये आ जाएगा अभी 7 तो सभी के साथ रहेगा ही, इसको हम क्या लिखेंगे, अब ये चीज बन गई हमारी, इसको इसमें हम लिख देंगे ए प्लस बी, ये हमारा ए है ये बी है। ओके, ये ए है ये बी है, ऐसे ही होता है, ए क्या है 2x प्लस का साइन लगा दो, अभी 3y आ जाएगा, दूसरी वैल्यू क्या है 2x माइनस का साइन लगा दो 3y, ये आपके आंसर आ गए, समझ आई इतनी चीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। ओके, फ्रैक्शन में है नंबर्स हमारे पास, तो कैसे करेंगे? अब दोनों को करना पड़ेगा। ये फोर है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, टू मल्टीप्लाई टू लिख सकते हैं, तो हमने टू लिख दिया। ओके, उसकी पावर टू लिख देंगे। नीचे इसको क्या लिख सकते हैं, फाइव मल्टीप्लाई फाइव लिख सकते हैं, तो फाइव लिख दिया। ओके, उसके साथ एक्स की पावर टू है, अभी सभी की पावर टू कर देंगे। इसकी पावर टू को टू, टू टाइम आ रहा है 25, तो 5 इंटू 5, सभी के एक साथ पावर बनानी है। यहाँ माइनस का साइन है तो इसको क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 जाने के 3, नीचे आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 जाने के 7, साथ में क्या है वाई पड़ा है, पावर 2 आ जाएगी इसकी भी। ओके, अभी ये कौन सा फॉर्मूला बन गया बताइए जल्दी से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जितने भी अभी क्वेश्चन किए हैं सभी में यही फॉर्मूला लगा है। ओके, सेकेंड पार्ट के जितने कर रहे हैं हम, ए प्लस बी आगे है ए माइनस बी, अभी ये हमारा पूरा ए है, ये हमारा पूरा बी है। ओके, तो ए क्या आ जाएगा, टू बाई फाइव एक्स, प्लस का साइन लगाइए, थ्री बाई सेवन वाई, इन्हीं एक बार इन्हीं नंबर को माइनस कर दीजिए जल्दी से, टू बाई फाइव एक्स माइनस थ्री बाई सेवन वाई, आगे समझ। ओके, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें आपको हिंट दिया गया है कि एक्स को भी बाहर निकालना है, यही दिया गया है साथ में जो संकेत लिखा है। ओके, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, ये 72 8 के टेबल पे जा रहा है कि नहीं। अभी देखो, जिसके परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते, पहले उसमें से कॉमन निकालो, बाहर निकालो जो नंबर एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है। ओके, पहले कॉमन नंबर को बाहर निकालो, फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे। इसमें बताइए जी क्या आएगा, हम 8 को बाहर निकाल लेंगे, 8 के टेबल में आता है ना 72 कि नहीं आता, आता है, और क्या बाहर निकालेंगे। अभी उन्होंने जो हिंट दिया था वो क्या था कि x को भी बाहर निकालना है, अभी एक x को बाहर नहीं निकालेंगे हम, x की पावर 3 है, इसमें x 5 बार आ रहा है, इसमें x 3 बार आ रहा है, तो x 3 बार को बाहर निकाल सकते हैं ना। ओके, अगर इसमें x 5 बार आ रहा है और इसमें x 3 बार आ रहा है, तो 3 बार तो कॉमन हो गया दोनों में, तो x की पावर 3 बाहर निकाल लेंगे, समझ आई। इसमें क्या बचा, अभी 8 भी बाहर निकाल लिया, x की पावर 3 निकाल ली, तो अंदर कितने बचे थे, x 2 बचे थे, क्योंकि 3 तो हमने बाहर निकाल लिए, तो पावर 2 बच गई, माइनस का साइन है माइनस का। अभी 72 कहाँ आता है, x 8 के टेबल में बताइए, 9 पे जाता है, तो 9 लिख लो, यहाँ से x की पावर 3 तो हमने निकाल ही ली, तो वो नहीं लेंगे। ओके, ध्यान रखना जो चीज बाहर निकाल ली है उसको फिर से अंदर नहीं लेना। ये क्या है, अभी 8 x की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स की पावर टू माइनस, इसको तीन गुना तीन लिख सकते हैं, जाने के थ्री की पावर टू लिख सकते हैं। अभी ये फिर से फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही होता है। फिर से जल्दी से इसको, ये चीज तो ऐसी रहेगी, इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए क्या है अभी एक्स, बी क्या है हमारा तीन, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, आंसर आ गया आपका, समझ आई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, दिस वन, इसमें क्या है, ये किसको बन रहा है, फोर गुना फोर लिख सकते हैं ना इसको, साथ में इनके स्क्वायर है, तो इसको लिख दो फोर ए बी, उसकी पावर टू करो। ओके, फिर माइनस का साइन है, इसको फाइव की पावर टू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो लिख दिया। अभी क्या, फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, सभी में यही फॉर्मूला लग रहा है। उसके बाद ए प्लस बी, ए ये है बी ये है, अप्लाई कर दो फोर ए बी, और क्या आ जाएगा प्लस का फाइव, एक बार इन नंबर को माइनस कर दो और आपका आंसर आ गया। सभी समझ आ गए अच्छे से क्वेश्चन। थर्ड पे आते हैं, सेकंड का लास्ट क्वेश्चन बच गया है, साथ में संकेत जाने के हिंट दिया हुआ है, वैसे ही आपने करना है। ओके, तो खुद करना है, जल्दी से पॉज करके वीडियो को कर लो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्या है, फैक्टराइजेशन ही करना है जाने की गुणनखंडी, सभी में यही है, बस मेथड अलग अलग है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे पावर फोर फोर जो हमने फॉर्मूले किए थे वो पावर टू थी, सभी की पावर टू थी, तो इसको भी हमें पावर टू लेके आनी पड़ेगी, तभी हम कर सकते हैं। तो एक्स की पावर टू, उसकी पावर टू, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ओके, माइनस का साइन है तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, पावर टू फिर से टू। तो अब ये बन गए कि नहीं, क्या बना अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही बना, ये चीज बन गई।
तो अब इसका फॉर्मूला ये होता है, ये हमारे पास पड़ी है तो अब इसको इस पे फॉर्म में ले आएंगे। सबसे पहले ए हमारा ये है, बी ये है। अब ये मत लिख देना ओनली ए एक्स, नो, ए अब क्या है हमारे पास एक्स की पावर टू, वाई बी क्या है वाई की पावर टू, फिर से पुट करना है। ओके, ए प्लस बी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्या आएगा आगे से, आगे ए की पावर टू बी की पावर टू, ये आ गया। और फिर से ये फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही वाला। फिर से इसको ऐसे कर देंगे, सॉरी यहाँ पे क्या था हमारा एक्स एंड वाई, ओके एक्स की पावर टू वाई की पावर टू। फिर से ये फॉर्मूला बन गया है, फिर से इसको ओपन करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। ओके, तो इसको ऐसे ही लिख देना है हमें, इसको ओपन करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई, एक बार क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई, आंसर आ गया। जब तक फॉर्मूला बनते जाएंगे तब तक सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि यहीं छोड़ के चले जाओ। ओके, तो आधे मार्क्स आपके कट जाएंगे। आगे इसको देखिए क्या आएगा, इसकी पावर भी फोर है तो इसको क्या लिखेंगे, पहले तो जिसकी पावर फोर है तो उसको ऐसे ही लिखना है हमें। ओके, टू की पावर फिर से उसकी पावर टू हो जाएगी। इसको क्या लिख सकते हैं, नाइन, 81 को क्या लिख सकते हैं, नाइन मल्टीप्लाई नाइन तो पावर टू लिख सकते हैं ना। फिर से ये फॉर्मूला बन गया अभी, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। अभी तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, इतनी बार हम इसको बोल चुके हैं। ओके, आप ही बोला करो साथ साथ। तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट बताइए जी, इसमें पहले पुट कर दो। अभी जो ए है वो क्या है, ए की पावर टू, ये कंप्लीट हमारा ए है। ओके, ये हमारा बी है तो क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से, ए प्लस बी, ए प्लस क्या है, ए क्या है ए स्क्वायर प्लस बी यानी कि नाइन बन गया। एक बार इन्हीं नंबर को माइनस कर दो, ठीक है। अब देखिए फिर से एक चीज बनेगी, यही मत छोड़ के आना, ए स्क्वायर प्लस नाइन, इसको क्या लिख सकते हैं ए की पावर टू, इसको ओपन करेंगे थ्री मल्टीप्लाई थ्री हो जाएगा ना, यानी कि थ्री की पावर टू बन गई। ये फिर से फॉर्मूला बन गया, यही फॉर्मूला बन गया। ओके, फिर से इसको ओपन कर रहे हैं, ए की पावर टू प्लस नाइन, ये तो ऐसे ही रहेगा हमारा, इसको ओपन कर दो क्या बन जाएगा, एक बार ए की पावर टू प्लस थ्री, एक बार ए की पावर टू, सॉरी यहाँ ए हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस थ्री ए माइनस थ्री, ये आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना है कि कहाँ आपने स्क्वायर लेनी है कहाँ नहीं। ओके, यहाँ पहले हमारे पास उसकी पावर टू थी लेकिन यहाँ पे वन वन ही पावर है। आगे देख लेते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम की पावर टू उसकी पावर टू लिख दो, माइनस का साइन है माइनस का लगा दो। टू फाइव सिक्स को क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं सिक्सटीन मल्टीप्लाई सिक्सटीन, तो यही बनेगा आपका। ओके, यानी कि सिक्सटीन की पावर टू लिख सकते हैं, लिख दिया। फिर से ये फॉर्मूला बन गया आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर दिए जी। अब ए क्या है, एम दी पावर एम एम की पावर टू है प्लस का सिक्सटीन। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एम की पावर टू माइनस सिक्सटीन। फिर से ये सिक्सटीन क्या लिख सकते हैं हम, फोर मल्टीप्लाई फोर। ओके, एम की पावर टू प्लस सिक्सटीन, प्लस की वैल्यू का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसको ऐसे लिखना है, जहां माइनस होगा उनकी पावर टू टू आ रही है तो हम उसको ओपन करते हैं। ओके, इसको हम फोर की पावर टू लिख सकते हैं, लिख दिया। अब इसको ओपन कर दो, इसको ऐसे ही रखेंगे साथ साथ, इसको क्या कर देंगे, एक बार प्लस आ जाएगा एक बार माइनस आ जाएगा, आंसर आ गया आपका। ओके, समझ आ गई ना अच्छे से, स्किप नहीं करना वीडियो को। नेक्स्ट देखिए थर्ड का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। ओके, क्या है इसमें, इसको भी सेम ही लिखेंगे, अभी तक जो क्वेश्चन करके आए वैसे ही है सारे क्वेश्चन। ओके, फोर पावर का कोई फॉर्मूला नहीं होता तो हम क्या लिख लेते हैं ऐसे। अब देखिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, पहले ब्रैकेट डालो, सब दोनों की पावर है ना दो की, जहां पे तो एक की पावर होती तो हम ऐसे लिख लेते हैं। अब आपको दोनों की पावर पहले टू, फिर आप लगाओगे फिर उसकी पावर टू करोगे। अब क्या है फॉर्मूला बन रहा है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही है, समझ आ गई। उसके बाद ए क्या है, आधे बच्चे क्या करते हैं वीडियो स्किप कर देते हैं कि सेम ही है क्वेश्चन, लेकिन जो सारे क्वेश्चन है सभी में अलग अलग मेथड अप्लाई हो रहा है तो वीडियो को स्किप नहीं करना बिल्कुल। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी, तो क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी है, ए हमारा ये है बी ये है। ओके, तो प्लस का साइन है, क्यू प्लस आर इसकी पावर टू आ जाएगी, यही आया। उसके बाद
क्या आएगा नेक्स्ट, a माइनस बी, a क्या है p की पावर 2 माइनस क्या q प्लस r की पावर 2, यही आएगा, इतना हो गया हमारा। उसके बाद ये आ गया आपका p स्क्वायर प्लस q प्लस r की पावर 2, इसका फिर से हमारे पास फॉर्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, वही अप्लाई करना है। इसको ओपन कर देते हैं, क्या आ जाएगा p माइनस q प्लस r, सॉरी एक बार प्लस हो जाएगा पहले, ठीक है, एक बार प्लस में होती है वैल्यूज, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना, a प्लस बी, उसके बाद a माइनस बी, जब प्लस है हमारे पास यहाँ तो आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज प्लस ही हैं। अब क्या है माइनस है, तो क्या हो जाएगा बताइए जी जल्दी से, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, तो a ये है हमारा, माइनस b क्या है q प्लस r, यही था, तो ब्रैकेट डालना है क्योंकि जब हम ओपन करते हैं माइनस के साइन को, यहाँ माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस बन जाता है, ओके, यानी कि p प्लस q प्लस r बन गया, ये क्या बन गया, p माइनस q, वो भी माइनस r, ऐसे बनेगा, ये ऐसे ही रखना है साथ में, p स्क्वायर प्लस q प्लस r की पावर 2, ठीक है, यहाँ पे भी था। अब एक चीज और हो सकती है कि इसको भी हम ओपन करें, ओके, क्योंकि a प्लस बी की पावर 2 होल स्क्वायर बन सकती है, उसको भी कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर आ जाएगा, ओके। इसके बाद ये करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, इसको कैसे करेंगे, सेम लिखेंगे a की पावर 2, फिर से उसकी पावर 2 हो जाएगी, माइनस 2a की पावर 2 एंड b की पावर 2, यहाँ पे प्लस b की पावर 2 फिर से उसकी पावर 2, ये हो जाएगा। अब कौन सा फॉर्मूला बना है हमारे पास, a माइनस बी होल पावर 2, ध्यान रखना है कहा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है, ओके, क्या आता है इसमें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये चीज हमारी बन रही है, देखिए बन रही है कि नहीं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो a है वो क्या है, ये है, यानी कि a की पावर 2 है, जो b है वो क्या है, b की पावर 2 है, ओके, तो अब इसमें पुट कर दो, क्या आ जाएगा, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 उसकी पावर 2, यही आया, फिर से ये फॉर्मूला बन गया अभी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b, यही होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, a प्लस b लिख दो क्योंकि वैल्यू भी सेम ही है, a माइनस b, उस दोनों, इन दोनों की पावर फिर से 2 है, वो लग से है, उसको भी लिखना है, अब इनको लग लग करके लिख सकते हो, ठीक है, a प्लस बी की पावर 2 इसकी a माइनस बी की पावर 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, समझ आई जी। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, क्या है फोर्थ, फैक्टराइज ही करना है, ओके, गुणनखंड बनाने हैं। अब देखिए क्या है, पहले इस चीज को देखिए, यहाँ पे ना ही कोई ब्रैकेट है ना कुछ है, ओके, तो क्या है इसको देखो, कुछ बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है ना, कौन सा, a प्लस बी की पावर 2, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है और ये चीज बन रही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये बन रहा है हमारे पास, हम उसको यू लिख देते हैं, ओके, तो हमें ध्यान रखना था a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू a ही है, b की वैल्यू भी b ही है, ओके, तो सेम ही लिख देना है, माइनस c स्क्वायर, ये ऐसे रह जाएगा, इस पे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये c की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, और फिर से हमारा फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा बन रहा है बताइए जी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होगा, a माइनस a प्लस b, एक बार क्या आ जाता है, a माइनस b, ऐसे ही आता है, a प्लस b क्या है, ए ये है अभी सारा, ए है ये बी है, ऐसे ही है ना, ए क्या है अभी, ए प्लस बी, प्लस का साइन है प्लस लिखा दो, बी क्या है हमारा, ये है सी, पेंसिल के साथ छोटा छोटा लिख भी सकते हो अपने समझ के लिए, ओके, कि ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, कि कंफ्यूजन ना हो, ए क्या है अभी हमारे पास, यही था तो ये लिख दीजिए, माइनस का साइन है माइनस, बी क्या है हमारा, सी है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है, इसको देखेंगे, इससे हम फॉर्मूला बनाएंगे अपना, ओके, वन एज इट इज ऐसे ले लेंगे माइनस, अब इसको ओपन करिए,
इसको क्या लिख सकते हैं? अब मैंने ब्रैकेट क्यों डाला यहाँ पे? क्योंकि आगे माइनस का साइन है। जब हम हमारा अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ओनली जो यहाँ माइनस है तो 9 के आगे ही है, ठीक है, तो आगे ये मल्टीप्लाई में नहीं है हमारे पास। आगे देखिए इसको कैसे ओपन करेंगे, 3 लिख सकते हैं ना, एल है तो उसकी पावर 2 लिख दो। नेक्स्ट क्या है इसको देखते हैं बाद में, पहले ये क्या लिख सकते हैं इसको, 4m की पावर 2, 4 इंटू 4 16 हो जाता है। फिर क्या होता है, 2 मैंने बोला था कि एक बार ये लिख लो, एक बार ये लिख लो और साथ में 2 लिख दो, तो आपकी यही चीज बन जाएगी ऊपर की। अब देखिए लिख के देखते हैं कि बन रही कि नहीं, कि मैं झूठी बोल रही थी, देखते हैं चेक करते हैं। ओके मल्टीप्लाई 4m, अब देखिए इसको बन रहा है कि नहीं। 4 को 3 के साथ करेंगे 12 बनेगा, 12 को 2 के साथ करेंगे ये बनेगा, साथ में l भी पड़ा है m भी पड़ा है, हमने यही लगाया था 3l साथ में 4m लगा दिया था ना, तो ये चीज बन गई है सारी। ओके अब क्या करेंगे नेक्स्ट, बताइए जल्दी से क्या बन रहा है आगे? ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बना भी, a माइनस बी की पावर 2, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ये बन गया तो इसकी जगह पे ये पुट कर देते हैं, a क्या है अभी मेरा 3l, ओके माइनस का साइन, b क्या है अभी मेरा 4m, पावर कितनी है उसकी 2, यही होता है, तो ये आ गया हमारा। उसके बाद क्या करना है हमें बताइए, क्या कर सकते हैं अभी जहां पे, फिर से फॉर्मूला बनाएंगे, कौन सा 1 की स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 ही होती है तो इसकी भी स्क्वायर लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है फिर से, ठीक है, फिर से अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, क्या होता है ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। अभी मेरा 1 ए है, ये सारी वैल्यू मेरी बी है, जल्दी से लिख दो 1 ए प्लस बी, ए ये है प्लस का साइन डालो बी आ जाएगा वो 4l माइनस 4m ये आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा a माइनस बी, a क्या है 1 है, माइनस ले आएंगे, फिर इस पूरे को आगे ब्रैकेट डाल लेना क्योंकि इसके बीच साइन है माइनस का और यहाँ भी माइनस का है। ओके 3l माइनस 4m, ठीक है जी, ये क्यों डालना है अभी देखते हैं हम, ये साइंस के बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, 1 है माइनस का 3l हो जाएगा, अभी इसके आगे माइनस फिर इसके आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अभी चेंज हो गया ना साइन। जब भी आपने a माइनस बी डालना है तो जो अगर 2 वैल्यूज है तो साथ में ब्रैकेट डालना है, क्योंकि जब हम ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ओके तो ये आपके फैक्टर आ गए, समझ आ गई अच्छे से इतने। थर्ड पार्ट देखते हैं फोर्थ का। ओके अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो साथ साथ वीडियो को लाइक कर दिया करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, ओके उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो इसमें देखेंगे क्या है, किससे हमारा फॉर्मूला बनेगा, इससे कैसे देखते हैं अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5p पावर 2 माइनस, पहले इसको ओपन कर लो, क्या लिख सकते हैं 4q की पावर 2। ओके ये और लास्ट और ये चेंज कर लेना पहले दोनों लास्ट के, फिर साइन माइनस का लगा के इसको ओपन, पहले मैंने बोला 2 लिखो, फिर ये चीज है ये लिखो, फिर क्या है मल्टीप्लाई, इनके बीच मल्टीप्लाई गुना का साइन डालना है, फिर 4q है 4q लिख दो, फिर अब चेक करोगे ये चीज बन रही है, 5 4 20 होता है, 20 को 2 के साथ करेंगे 40 40 आ जाएगा, उसके साथ p भी आ जाएगा साथ में q भी आ जाएगा। ओके इसको मैंने कर दिया, अब बचा ये हमारा, इसको भी लिख लेते हैं अलग से, इसको क्या लिख सकते हैं 7r की पावर 2, इसको अलग से लिख लेना है। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया है, कौन सा a माइनस बी की पावर 2, क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की पावर 2, यही बनता है, तो इसको मैं अप्लाई कर दूंगी, ये मेरी चीज बन गई है सारी, ये हम करेंगे यहाँ पे, ए हमारा ये है बी ये है। ओके तो ए क्या है 5p माइनस 4q यही आएगा, उसकी पावर 2 आ गई, इसमें पुट कर रहे हैं, उसके बाद माइनस का साइन है 7r की पावर 2, क्योंकि हमने इसको ही सॉल्व किया है इतने में, ये बच गया था तो हमने साथ में लिख लिया। अब फिर से हमारा फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा बन रहा है, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 a प्लस बी और a माइनस बी, ये बन रहा है। ओके तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं, a अभी ये है b ये है ऐसा ही है। ओके a क्या है अभी
5p माइनस 4q, प्लस का साइन है प्लस का लगा दो, उसके बाद 7r। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5p माइनस 4q, साथ में माइनस का साइन है तो माइनस का लगा देते हैं, ओके तो क्या आ जाएगा आपका 7r। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। है कोई यहाँ तक आपको परेशानी बताइए। ओके तो फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले जो हम करते थे उनका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता था, पूर्ण वर्ग बन जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसे नंबर नहीं है जिनका पूर्ण वर्ग बने। पूर्ण वर्ग तो समझते हो कि एक ही नंबर को जब हम क्या करते हैं, जैसे एक पावर टू कर दें तो टू वन बन जाता है, टू की पावर फोर बन जाता है, तो ये हमारे ऐसे नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर जाने के पूर्ण वर्ग होते हैं। ठीक है, लेकिन 12 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि उसी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई कर दें और हमारा 12 बन जाए। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपने कैसे करना है, ओके जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं पहले तो जो आपको क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ये इसका जो कॉफिशियंट है वो 1 है, जो जाने के एक्स के साथ वाई के साथ जो भी आपके पास यहाँ पे होगा उसके साथ आगे 1 ही होगा, ओके कुछ नहीं होगा, जाने के 1 होता है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन आएंगे अभी आपको। तो हमारे पास इसका मेथड क्या होता है ये ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे कोई नंबर हो तो इस लास्ट नंबर को हम इस नंबर के साथ, इसके साथ अगर कोई नंबर पड़ा है तो पहले उसके साथ इसको गुना करते हैं, जाने के मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो अब क्या है, यहाँ पे तो 1 नहीं है, अभी जो आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका जो कॉफिशियंट आएगा वो 1 ही आएगा। तो आपने आपने अभी क्या ध्यान रखना है कि आप ऐसे दो नंबर लेने हैं आपको कि जिनको आप प्लस करें या माइनस करें ये सेंटर वैल्यू बननी चाहिए आपकी। ठीक है, उन्हीं दो नंबर को गुना करें तो ये लास्ट की वैल्यू बननी चाहिए। कोई भी दो नंबर है जब उसको प्लस या माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बननी चाहिए, जब उन्हीं दो नंबर को गुना करेंगे तो ये वैल्यू बननी चाहिए। समझ आ गई इतनी चीज। ठीक है, अब हमें देखना है कि प्लस या माइनस करें हमारा 7 बने और उसी नंबर को गुना कर दें तो क्या बन जाए हमारा 12 बन जाए। तो ऐसे कौन से नंबर है जल्दी बताइए। हाँ जी फटाफट, ओके तो हमारे पास क्या है 4 and 3 है ना। अब अगर मैं इसको जोड़ दूंगी तो मेरा 7 बन जाएगा, अगर मैं इस दोनों को गुना कर दूंगी तो मेरा 12 बन जाएगा, समझ आई 12 बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। तो आपने माइंड लगाना, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये इजी लगेगा, ओके तो प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि आप कितने कर रहे हो। तो अभी हमारे पास ये है फैक्टर हमारे जाने के 4 and 3, तो कैसे लेना है, पहले ये वैल्यू है उसको ऐसे ले लेना है, जो लास्ट वैल्यू है उसको भी ऐसे ही ले लेना है, समझ आई। उसके आगे प्लस का साइन है प्लस का, यहाँ भी प्लस का था। अब इसको ब्रेक करके लिखना है ऑनली आपने, ठीक है तो हम इसको 4 and 3 में ब्रेक करेंगे, हमें पता चल गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4x, साथ में x भी लगाना है, तभी हम 4x को 3x ऐड करेंगे भी तभी 7x बनेगा ना, तो साथ में जो वैल्यू है वो भी दोनों के साथ लेनी है, ओके। अब देखो ये बन गया हमारा यहाँ तक, अब क्या करेंगे बताइए जी। अब इस दो को ले लेंगे, फिर दो लास्ट दो को ले लेंगे, पहले इन दो को लो, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, एक्स निकल रहा है, दोनों में पड़ा है ना एक्स, कॉमन क्या होता है जो दोनों में पड़ा हो। अब यहाँ से एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स रह गया, तो एक एक्स लिख लो, प्लस का साइन है प्लस का लगा दो, यहाँ से भी हमने एक्स निकाल दिया तो ओनली 4 बचा। अब ये दोनों आ गए, उसके आगे प्लस का साइन है प्लस का लगा दो, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, अभी 3 कॉमन है क्योंकि 12 आता है ना 3 के टेबल में, तो 3 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से 3 मैंने बाहर निकाल लिया तो एक्स बचा, प्लस का साइन है प्लस का लगा दो, यहाँ से मैंने 3 को बाहर निकाला तो क्या बचा 4 बच गया मेरा। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो आपने जो ब्रैकेट बनाए हैं अभी दोनों वो सेम होने चाहिए, अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम हैं तभी आपका जो आंसर है सही कर रहे हो, मीन्स आप सही कर रहे हो, अदरवाइज आप कुछ गलत कर रहे हो, ओके। अब हम इस दो हमारे आगे ना कॉमन सेम आगे ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट को हम बाहर निकाल लेते हैं, इन दोनों ब्रैकेट को हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, इसमें से मैंने ये बाहर निकाला तो ये बच गया एक्स, तो मैंने एक्स लिख दिया, प्लस का साइन है प्लस का लगा दो, इसमें से मैंने ये निकाल लिया तो क्या बचा 3 बचा, तो ये मेरा आंसर आ गया।
था कुछ इसमें ओके नेक्स्ट देखिए जल्दी से सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलिए सेम चीज ही बन रही है ओके ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको प्लस करें या माइनस करें 10 बन जाए जिसको प्लस करें या माइनस करें 10 बने उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा कितना बने 21 तो क्या आएगा फैक्टर्स जल्दी बताइए 7 और 3 ओके जब उनको ऐड करोगे तो 10 बनेगा जब उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 21 बनेगा यही आएगा जी ठीक है तो बना दो जल्दी से ध्यान इनका रखना है कि साइन कौन से लेने हैं पहला और लास्ट की वैल्यू मैंने बोला है सेम ही रखनी है वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या है 21 ये नहीं आपने करना ठीक है अब इसको हमने तोड़ के लिखना है ब्रेक करके लिखना है उन फैक्टर्स में तो कैसे लिखेंगे अभी हमें क्या चाहिए माइनस का टेन चाहिए तो हम क्या लेंगे -7y -3y क्यों लेंगे -7y -3y क्योंकि हमें जब माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो वैल्यूज प्लस हो जाएंगी साइन माइनस का ही रहेगा ठीक है साइन भी देखने होते हैं इसमें सारा कुछ देखना होता है हमें तो माइनस का 10y बन जाएगा और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्लस का 21 बन जाएगा ओके तो अब ये फैक्टर ले लेंगे फिर ये इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है बाई पड़ा है दोनों में बाई निकाल लो एक अंदर बाई बच गया और यहाँ 7 बच गया इसमें से बताइए क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है 3 अंदर क्या बचेगा बाई माइनस 7 ठीक है जी यहाँ पे माइनस बाहर रखना है फिर आपका अंदर भी माइनस आ जाएगा उसके बाद अब देखिए ये और ये सेम बन गया फिर से यानी कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं इन दोनों में y माइनस 7 कॉमन है पड़ा है निकाल लो अंदर क्या बचा y बच गया एंड माइनस का 3 बच गया ये आपका आंसर आ गया नेक्स्ट देखिए फिफ्थ का हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं थर्ड आपके लिए खुद करना है ओके जल्दी से आंसर बताइए फटाफट नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से अब मैंने जो पहले आपको बोला था कि इन क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 1 मिलेगा लेकिन अब तो 3 आ गया तो कैसे करेंगे हम तो 3 के टेबल में सभी आ रहे हैं ना तो 3 को बाहर निकाल सकते हैं तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं समझ आई जी 1 ही बनाना है हमें वहां पे भी तो अंदर क्या बचा p की पावर 2 बची क्योंकि 3 हमने बाहर निकाल लिया यहाँ पे क्या बच जाएगा बोलो 6 ओके 6p माइनस नेक्स्ट आ गया हमारा 16 ओके 16 आ गया है इतना कर लिया हमने उसके बाद कैसे करेंगे अब हमारे पास ये चीज बन गई है क्या कौन से दो नंबर है जिनको हम क्या करें मल्टीप्लाई करें 16 बने और प्लस माइनस करें ये बने 6 बने तो क्या आ जाएगा जी 6 बनना चाहिए इन्हीं दो नंबर को हमारा 16 बनना चाहिए तो कौन से दो नंबर है फटाफट बताइए 8 और 2 जब इन दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 बन जाएगा जब 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 बन जाएगा ओके लेकिन यहाँ माइनस होगा तो कैसे करेंगे 3 है ही हमारा यहाँ पे p की पावर 2 है ओके तो p की पावर 2 है यहाँ क्या आ जाएगा बताइए प्लस का चाहिए ना हमें क्या चाहिए प्लस का 6 तो बड़ी वैल्यू जो 8 है उसको प्लस की लेंगे तो 8p माइनस 2p फिर क्या हो जाएगा आपका 16 है ये मैंने बोला ऐसे ले लेना ओनली इसको ब्रेक करके लिखना है अब 3 यहाँ पे है ये और ये बन गया इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है यहाँ से p निकला p प्लस 8 बना माइनस का साइन यहाँ से दोनों में से 2 निकल रहा है कॉमन ठीक है यहाँ भी माइनस था यहाँ भी तो कॉमन निकाल लिया तो अंदर अब प्लस बन जाएगा आपका p इसमें से 2 निकाला तो आपका प्लस का 8 रह गया अंदर ओके यहाँ पे ये और ये कॉमन है 3 तो रखना ही आपने कॉमन क्या है p प्लस 8 अंदर क्या बच गया यहाँ से ये निकाल लिया p बचा यहाँ पे माइनस का 2 बचा ये आपका आंसर आ गया एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ये पे ओके तो इसमें क्या है हमारे पास अब देखिए इसके साथ क्या है 1 है तो आपने प्लस माइनस करना है दो नंबर को 1 बनना चाहिए उन्हीं दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 बने तो कौन सी वैल्यू है 2 ऐसी 3 और 2 जब इन दो नंबर को गुना कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा जब 3 से 2 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा ऐसे आएगा ओके तो इसको बनाइए जल्दी से क्यू की पावर 2 ये माइनस 6 है तो इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा जल्दी से बोलो जी क्या आएगा माइनस का 3 क्यू माइनस का लेंगे क्यों
क्योंकि हमें माइनस में आंसर चाहिए, तो 3 एंड 2 में से 3 बड़ा है तो उसके आगे माइनस रखेंगे, ये ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम यहाँ पे 2 क्यू लेंगे। ओके, तो अब इसको और इसको फैक्टर बना लो, यहाँ से क्यू बाहर निकल रहा है, क्यू माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर निकल रहा है, क्यू माइनस 3 हो जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा, क्यू माइनस 3, अंदर बच जाएगा आपका क्यू प्लस 2, ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सिक्स क्वेश्चन। देखिए प्लस माइनस करें 11, मल्टीप्लाई करें माइनस का 42, साइन भी ध्यान रखना है साथ साथ। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको प्लस माइनस करें हमारा 11 आ जाए, माइनस का और मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 42। तो क्या नंबर है हमारे बताइए जी, 14 एंड 3 होंगे। जब इसमें से 3 निकाल देंगे तो आपका 11 बन जाएगा, जब इन दोनों नंबर को गुना मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 42 बन जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अब ध्यान रखना है हमें माइनस का चाहिए तो माइनस की वैल्यू बड़ी रखनी है, 14x, आगे क्या आ जाएगा प्लस का 3, क्योंकि 14 प्लस माइनस माइनस, 14 में से 3 निकाल देंगे 11 बन जाएगा, 11 बन जाएगा। ओके, माइनस का 42, ये ऐसे रहेगा। उसके बाद क्या है, फैक्टर बना लो जल्दी से, इसमें से x निकालेंगे बाहर, 1x बचा, आगे 14 बचा, इसमें से निकालेंगे 3 को बाहर तो क्या बन जाएगा, x माइनस 14, सेम ही बनेगा तो सेम बन गए, फिर जो सेम होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं, जो अंदर बचता है यहाँ पे ऑनली x बचा है, यहाँ पे प्लस का 3 बचा है, ये हमारे फैक्टर बन गए हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, एक क्वेश्चन है 7, वो खुद करना है आपने। यहाँ से 3 पहले बाहर निकालेंगे, पहले इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 चाहिए हमें। ओके, तो 3 कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, क्या आ जाएगा अंदर, y की पावर 2, आगे क्या आ जाएगा 7y, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 एंड 2 आपका 12 आ जाएगा। ओके, ये चीज आ गई, आगे इसको फैक्टराइज करो जल्दी से, कौन से ऐसे नंबर है कि ऐड प्लस माइनस करें 7 बने और गुना करें 12 बने, 4 एंड 3 है। ओके, तो 4 एंड 3 है तो क्या आ जाएगा वाई की पावर 2, अब हमें 4 एंड 3 दोनों माइनस के लिखने पड़ेंगे क्योंकि हमें माइनस में आंसर चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए हम माइनस में लिख रहे हैं दोनों को। ओके, ये 12 हो जाएगा आपका। अब इसको और इसको हम वैसे ही सेम कर लेंगे, ये 3 को ऐसे चलना है, यहाँ वाई बाहर आ जाएगा, यहाँ पे अंदर वाई माइनस 4 बचा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी वाई माइनस 4 बचा, और क्या आ जाएगा अब हमारा वाई माइनस 4 दोनों में पड़ा है कॉमन तो लिख लिया, अंदर बच गया वाई माइनस 3, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। ओके, तो समझ आ गया, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, अभी एमसीक्यूज बचे हैं जल्दी से वो कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे लास्ट है आज का, एमसीक्यूज रह गए हैं, बहुत वैकल्पिक क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम करेंगे। ओके, जिसने वीडियो लाइक नहीं की जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जो न्यू स्टूडेंट्स है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट हमारा क्या है एमसीक्यू वो देख लेते हैं, 4p की पावर 2 माइनस 20pq। जब भी एमसीक्यूज करने हैं तो पीछे से देख के ऑनली टिक नहीं लगा लेने और उसको सॉल्व करना है आपने पहले, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि ये हमें 1 चाहिए होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, नहीं अब 4 देखिए कॉमन निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 25 है, यहाँ पे क्या है 25 है, तो 4 का कॉमन नहीं निकलेगा, तो फिर क्या कर सकते हैं बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं 2p उसकी पावर 2 आ जाएगी, इसको क्या लिख सकते हैं 5q की पावर 2 आ जाएगी। ओके, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, मैंने बोला है कि 2 मल्टीप्लाई करके ये और ये लिख लिया करो, 2p मल्टीप्लाई 5q, यहाँ पे प्लस का साइन है प्लस कर लगा दो। ओके, तो अब क्या बन गया, अब इसको देखो 5 2 10, 10 को इसके साथ करोगे तो यही चीज बन रही है कि नहीं बन रही है, आगे क्या स्टेप, कौन सा फॉर्मूला बन गया है, कौन सा फॉर्मूला बन गया है, a माइनस बी की पावर 2 बन गया ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की पावर 2 यही बना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख देंगे ना 2p, ये a है ये b है, माइनस 5q, ये आ गया आपका, कौन सा ऑप्शन है जल्दी से देखिए, 2b माइनस आपका ऑप्शन नंबर b यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड देखेंगे जल्दी से, 4x की पावर 3 माइनस 9x, यही है, इसको यहाँ से आपका x कॉमन, इसमें भी x है, इसमें भी सबसे पहले x को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा
फोर एक्स की पावर टू, यहाँ थ्री थी एक एक्स हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे नाइन बच गया आपका। फिर क्या करेंगे, उसको एक्स को बाहर है, इसको क्या लिख सकते हैं, टू एक्स की पावर टू माइनस का साइन है, इसको थ्री की पावर टू लिख लेंगे। ओके फिर से फॉर्मूला बन गया है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ये आ गया हमारा एक्स एज इट इज आ जाएगा। इसको ओपन कर लीजिए, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, पहले ए प्लस बी बन जाएगा, फिर ए प्लस ए सॉरी माइनस बी ये बन जाएगा। ओके तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसके बाद करते हैं थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखिए जल्दी से क्या है हमारा थर्ड पार्ट, ए प्लस बी की पावर टू माइनस ए माइनस बी की पावर टू। अब इसको कैसे करना है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी की पावर टू, माइनस का साइन है माइनस का। जब नेक्स्ट ओपन करना है तो साइन माइनस का है, आगे देखिए मैंने बोला कि आगे माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगाना है, फिर ओपन करना है इसको, ए की पावर टू माइनस टू ए बी, आगे क्या जाएगा प्लस बी की पावर टू, यही बनेगा। अब जब ओपन करोगे इस ब्रैकेट को हटाओगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन गया ठीक है, ये माइनस का हो गया, माइनस का ए की पावर टू, ये प्लस हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा। अब यहां से देख लेते हैं, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये बचा ओनली टू ए बी प्लस टू ए बी फोर ए बी, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ओके सही है, यहां तक समझ आ गई है। उसके बाद तो सॉल्व करके करना है क्योंकि क्वेश्चंस अब यहाँ पे तो आप लर्न कर लोगे, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो कैसे इसके आंसर लगाओगे, अगर आपको आता होगा तभी करोगे ना इसको। 14m माइनस 32, अब इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तो हमें इसको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। ओके तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिसको प्लस माइनस करने पे 14 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 32 आ जाए। तो यहाँ पे 16 एंड 2, 16 में से 2 निकाल देंगे आपका 14 आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 बन जाएगा। तो ये आपके लिए खुद है, फटाफट इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। उसके बाद हम कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। ओके तो इसमें से देखिए जल्दी से क्या आएगा, पावर टू का हमारे पास फॉर्मूला है, थ्री का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, पी को बाहर निकाल लेंगे, दोनों में पी बड़ा है तो यहाँ पे पी टू टाइम बच जाएगा, एक पी हमने बाहर निकाल ली, यहाँ पे वन बच जाएगा। ओके वन बचा क्योंकि पी था ऑनली, वो हमने बाहर निकाल लिया, तो हम इसको पावर टू लिख सकते हैं कि नहीं, फिर से ये फॉर्मूला बन गया। तो अब क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार इसको प्लस कर दो एक बार इसको माइनस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक समझ आ गया जी, यहीं पे हमारा चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, एक हमारी एक्सरसाइज रह गई है इसकी। ओके तो जो भी आपको डाउट्स होते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में आपके जो डाउट्स होंगे उसको क्लियर कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।